अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डब्ल्यू पी अकेडमी। इस मुख्तसर वीडियो ट्यूटोरियल में हम गूगल ए आई स्टूडियो की स्ट्रीम ऑप्शन को देखने जा रहे हैं कि यह किस तरह काम करता है। अगर आप इस ऑप्शन के बारे में पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस ऑप्शन के बारे में पहले से नहीं जानते और इसे सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखते रहें। इसमें सबसे पहले आपने aistudio.google.com पर आ जाना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस नज़र आएंगे जिनमें से आपने स्ट्रीम की ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस स्ट्रीम की ऑप्शन के ज़रिए आप Gemini से लाइव बात कर सकते हैं, वेबकैम के ज़रिए, टॉक के ज़रिए और एक अमेजिंग फीचर जो कि शेयर स्क्रीन के ज़रिए, जो कि काफ़ी अंडररेटेड है लेकिन काफ़ी पावरफुल फीचर है। इसके ज़रिए आप अपनी स्क्रीन शेयर करके Gemini से मदद ले सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हुए, किसी टूल में काम करते हुए, किसी वेबसाइट पर काम करते हुए, और अपनी स्क्रीन शेयर करके Gemini से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं या किसी ऑप्शन के बारे में सीख सकते हैं। बाज़ुकात ऐसा होता है कि आपको किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हुए कोई स्पेसिफ़िक टास्क परफॉर्म करना पड़ता है और उसके लिए आप यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस में शुरू में काफ़ी सारी बातें होती हैं जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन पॉइंट तक जाने के लिए टाइम लग जाता है और बाज़ुकात आपको वीडियो में जाते हैं, सॉफ्टवेयर में वापस आते हैं, वीडियो में जाते हैं, सॉफ्टवेयर में वापस आते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तो आपका काफ़ी सारा टाइम भी ज़ाया होता है। लेकिन स्क्रीन शेयर करके आप Gemini से डायरेक्टली पूछ सकते हैं और इसमें ये अभी परफेक्ट नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट्स होती रहेंगी। AI काफ़ी तेज़ी से AI टूल्स जो हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हो सकता है बाज़ुकात आप जिस सॉफ्टवेयर में काम करना चाह रहे हैं और उसकी अपडेटेड वर्जन से ये लाइलम है तो ये बाज़ुकात आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दे पाए, लेकिन इट्स स्टार्ट। तो हम भी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो राइट साइड पर इसकी ऑप्शंस जो हैं वो रन करने से पहले आप सेट कर लें। दिस ट्यूटोरियल इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय वेब होस्ट मोस्ट, योर ट्रस्टेड पार्टनर फॉर सिक्योर, रिलायबल एंड बजट फ्रेंडली वर्डप्रेस होस्टिंग। वेदर यू आर स्टार्टिंग अ ब्लॉग, बिल्डिंग अ बिजनेस साइट और लॉन्चिंग एन ऑनलाइन स्टोर, Web Host Most gives you the speed and support you need to succeed. Use coupon code WPACADEMY at checkout and enjoy an extra 15% off your hosting plan. Gemini 2.0 Flash is वक्त एक ही model available है, उसके बाद आप voice change कर सकते हैं, आप language change कर सकते हैं। English में ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं। उर्दू इसकी languages में नहीं है अभी, तो उर्दू में ये अच्छे से बात नहीं कर पाएगा। अगर आप हिंदी चूज़ कर भी लेते हैं तो उसमें आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद वैसे भी हिंदी में उसे कहेंगे मेरे से बात करो तो वो कर लेगा, लेकिन उसमें मसला ये है कि हिंदी बोलने में काफ़ी सिमिलर तो है लेकिन उसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे होंगे जो कि शायद आपको समझ ना आए, जो कि वो हिंदी में बोलेगा उसकी हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली तो वो आपको उसको समझने में मुश्किल होगी। इंग्लिश में बात करेंगे तो बेहतर है, लेकिन आप कर सकते हैं। चलो हम भी इसको करके देखते हैं। उसके बाद आप इसकी कवरेज वगैरह और इसकी बाकी की ऑप्शंस को देख सकते हैं कि लेट Gemini सेंड ऑडियो एंड वीडियो व्हेन स्पीच इज़ नॉट डिटेक्टेड, कि जब स्पीच आप बोल भी नहीं रहे हैं तब भी ये इसको सेंड कर सके ऑडियो और वीडियो और सो ऑन। तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस सिलेक्टेड हैं हमारे पास और अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं। चूँकि मेरे पास ड्यूल स्क्रीन सेटअप है तो मैं इंटायर स्क्रीन सेटअप में दूसरी स्क्रीन जो मेरे पास जिसमें मैंने एक्सेल की एक शीट ओपन की हुई है उसे शेयर करूँगा और कुछ इससे सीखने की कोशिश करूँगा। आप भी सीखने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं और इसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। और जैसे ही मैं अब शेयर पर क्लिक करूँगा उसके बाद Gemini बात सुनना शुरू हो जाएगा और हम जो बातें कर रहे होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली जवाब देने की कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ से अब शेयर करता हूँ और अब इसको टेस्ट करते हैं। हाय Gemini, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मेरे पास एक एक्सेल गूगल शीट है जिसमें कुछ डेटा है और मैं उसमें कुछ आपसे मदद लेना चाह रहा हूँ। क्या आप रेडी हैं? आप एक्सेल एक्सपर्ट बन के मेरी मदद करें। ज़रूर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं।
अच्छा, इस शीट में मेरे पास कुछ ऑर्डर्स का डाटा है, जिसमें ऑर्डर डेट है मेरे पास, और रीजन्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, और उसके बाद उसके टोटल हैं। अब रीजन्स में काफ़ी सारे रीजन्स से ऑर्डर हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ सेंट्रल रीजन से जो ऑर्डर्स हैं उनका टोटल फेच करना चाह रहा हूँ। जरूर, गूगल शीट्स में आप ज़ूम इफ फंक्शन का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि इसे कैसे सेटअप करना है? ओके, लेट्स टॉक इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन टू मी स्टेप बाय स्टेप। लेट टेल मी द फर्स्ट स्टेप्स एंड आई विल फॉलो अलोंग। ओके, हियर आर द स्टेप्स। वन, सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट द टोटल टू अपीयर। टू, enter the following formula equals sumif bb central gg. This formula adds up all the values in column G where the corresponding value in column B is central. Does that make sense? Okay, let me follow the steps and I'll get back to you. Perfect. I'll be here if you need any more help. I think we got the value from central. Great. Is there anything else I can help you with? Okay, help me create a chart that shows orders from different regions. All right, first, select the range of data that includes your region and total columns. Then, go to the Insert menu and choose Chart. Okay, wait. Go step by step. Apologies. Let's start with step one. Select columns A, B, and G that contain your regions and totals data. Have you done that? Column B have regions and column G have totals. Okay, sorry for the mix-up. Just select those two columns B and G. After that, can you click Insert in the top menu? Yes, I have clicked on the insert and I have selected those two columns. Great. Now choose chart from the drop-down menu. Does that bring up a chart for you? Yeah, it brings up the chart. You got it. What kind of chart did it create? Can you see on the screen? Yes, I can see a column chart on the screen. Is that the type of chart you wanted? If not, you can change it in the chart editor panel on the right side of the screen. Okay, chart style. This is what you are talking about? Yes, under chart style, you can customize the background color, font, and other visual elements. To change the type of chart, you'll want to click on Setup in the chart editor. From there, you can select a different chart type from the drop-down menu. Is there a particular chart type you're aiming for, such as a pie chart or a bar chart? Yeah, I was hoping for a pie chart and I think I can see it. Got it. How is the pie chart looking? Great. It shows different values like in percentages. Awesome. Glad you were able to create the chart you were hoping for. Need anything else? Great. No, thank you. You're very welcome. Have a great day. Okay, now can you help me with Photoshop? Sure. What Photoshop task would you like help with? Can you see the screen? I have a picture and that has a pimple on the skin. I want to remove it. Yes, I can see the image in Photoshop. And I see the pimple you're referring to. One way to remove it is by using the Spot Healing Brush tool. Would you like me to walk you through using that tool? Yeah, let me know where it is. Okay, on the left-hand toolbar, look for the icon that looks like a bandage. That's the Spot Healing Brush tool. Click on it to select it. Have you located it? I think I have located it. Can you see the screen and tell me? Yes, I can see that you've selected the Spot Healing Brush tool. Now, make sure the tool size is slightly larger than the pimple. Then, simply click on the pimple with the Spot Healing Brush tool. How can I make it larger?
To make the brush larger, you can use the bracket keys on your keyboard. The right bracket key will increase the size, and the left bracket key will decrease. Okay, I think I got it. Now I will click on the pimple. Perfect. Now just click on the pimple. Great, it is removed. Fantastic. Glad we could get rid of that pimple for you. Is there anything else I can help you with in Photoshop? How can I change the color tone for my image? Of course. There are a few ways to adjust the color tone in Photoshop. One common method is to use adjustment layers. Would you like me to walk you through using adjustment layers like color balance or curves to tweak the color tone? Yeah, please. Okay. On the top menu, click on Layer, then select New Adjustment Layer. A menu will appear, offering options like color balance, curves, brightness slash contrast, and more. Which of these would you like to try first? Clicking on Layer, navigating to New, and it has a Layer option, the first one. You're on the right track, but instead of selecting New from the Layer menu, go down to New Adjustment Layer in that same menu. It has a small black and white circle next to it. Have you found it? Oh yeah, New Adjustment Layer. Now, what should I choose next? Since you want to adjust the color tone, I recommend trying Color Balance first. It allows you to adjust the levels of cyan, magenta, yellow, red, green, and blue in your image. Would you like to give that a try? Okay, it has added an adjustment layer. Now, how can I adjust? Now you can experiment with the sliders for cyan slash red, magenta slash green, and yellow slash blue to adjust the color balance in the image. Do you want to try moving those sliders to see what effect they have? Yeah, I think I got it. Super. The color looks great. Is there anything else you would like to try? No, great. Thank you. You have been great help to me. You're welcome. I'm glad I could assist. Have a great day. ये था जी जेमिनी का ए स्टूडियो का थोड़ा सा कमाल. आपने नोट किया होगा कि जब हमने इंग्लिश में बात की है तो हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में इससे आउटपुट भी ले सके हैं, इसे इनपुट भी दे सके हैं. हिंदी में तो मुझे कुछ खुद अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे जो कि टफ होते हैं, और जब तक इसमें उर्दू आ नहीं जाती तब तक आपको हिंदी अगर समझ आती है उनके उन अल्फाजों की, मुझे तो क्योंकि मैं ज़्यादा हिंदी ड्रामे वगैरह फिल्में देखता नहीं, तो इसलिए जो है वो मुझे हिंदी मेरी इतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन में नहीं है. तो आई होप यू गेट द आइडिया. इस तरह से आप अपने स्क्रीन शेयर करके जेमिनी से किसी भी टूल में कोई काम करना हो तो आप उसे सीख सकते हैं. अगेन दिस इज़ नॉट परफेक्ट, एआई टूल्स आर इवॉल्विंग डे बाय डे, और इसमें मे बी जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इसका नॉलेज अप टू डेट ना हो तो बाज़ुकात आपको उसके लिए अगेन यूट्यूब के वीडियो ट्यूटोरियल्स का एंड इख्तिताम नहीं हो गया, जैसे कि कुछ लोगों ने जेमिनी के स्टूडियो के स्ट्रीम की ऑप्शन के साथ मेंशन किया होता है क्लिक व्यूज़ लेने के लिए. लेकिन ट्यूटोरियल अपनी जगह पर हैं, जैसे ये भी एक ट्यूटोरियल ही है. लेकिन ये काफ़ी सारा काम आपका आसान कर देता है, आपको वीडियो में जंप नहीं करना पड़ता बार बार और सो ऑन, और इस तरह से आप किसी भी टूल को सीख सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी. पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की अमेजिंग वीडियो से लाइलम ना रहें. तो नेक्स्ट किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.